नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, फील द चेंज, खबरें वही जो हो सही। भिवंडी परिमंडल दो अंतर्गत सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व विभाग कार्यालय के चेतना हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पूरे शहर में पिछले 6 महीनों में हुए चोरी, डकैती, स्नैचिंग के 60 मामलों को सुलझाते हुए फरियादियों को उनके चैन, मोबाइल, मोटरबाइक, कार, ज्वेलरी व नकदी लौटाए गए। और भिवंडी के DCP अंकित गोयल ने जनता से अपील किया है कि अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई घटना घटती है तो उसे पुलिस स्टेशन में जरूर दर्ज करवाएं। उसमें पिछले 6 महीने में कुछ लोगों का कीमती सामान चोरी हुआ था, कुछ लोगों का सामान गुम हो गया था, उसमें मोबाइल वगैरह करके भी गुम हो गया था। तो पिछले कुछ महीनों में हमने उन सभी गुनाहों में जो चोर हैं उनको पकड़ के उनसे मुद्देमाल जब्त करके कोर्ट के आदेश से आज जो मूल फिरियादी है उसको वो मुद्देमाल वापस किया है। आज यहाँ पर हमने करीब 60 लोगों को करीब 22 लाख रुपये का मुद्देमाल वापस किया है, जिसमें मोटरसाइकिल्स हैं 23, 6 फोर व्हीलर्स हैं, मोबाइल्स हैं, कुछ गहने हैं, कुछ रोक रकम भी है। ऐसा टोटल मिला के 22 लाख का मुद्देमाल आज हमने लोगों को वापस किया है। हमको ऐसा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम लेने से लोगों में थोड़ी जागृति होगी कि पुलिस जो है चोरी किया हुआ माल वापस भी दिलवा सकती है। चोरी किया हुआ माल में चोर को पकड़कर मुद्देमाल वापस देने का जो काम है वो भी पुलिस नियमित रूप से करती है। इसलिए जैसे आपने बताया, जनवरी में भी हमने एक कार्यक्रम रखा था, आज फिर हमने ये कार्यक्रम रखा है और हमको उम्मीद है कि हम इसी तरह से जो चोरी गया हुआ माल है वो वापस जब्त करके लोगों को देते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम देते रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी एक ही अपील है कि अगर आपका कुछ भी कीमती सामान होता है या चोरी जाता है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। आपका बराबर हम गुनाह दाखिल करेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो चोर है उसको पकड़े और उसके पास से आपका जो भी मुद्देमाल, जो भी आपका सामान चोरी गया है वो वापस लेकर आने लगे। अब तक की कुछ खास खबरें, फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। धन्यवाद।